बायोलॉजी से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट डॉक्टर के अलावा और क्या क्या बन सकते हैं, उनके पास और क्या क्या करियर ऑप्शन है। मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के सभी लोगों की प्रॉब्लम दूर कर दी जाए। और दोस्तों यकीन मानो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं और बहुत अच्छे करियर ऑप्शन हैं। तो अगर आप एक बायो स्टूडेंट हैं और नहीं भी हैं, तो अगर आपके भाई बहन बायो स्टूडेंट हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएगा, ये वीडियो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों चले अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयुष, और सभी का हमारी यूट्यूब चैनल आयुष अरीना पे स्वागत है। तो चलिए हम अब जानते हैं कि बायो स्टूडेंट के पास क्या क्या करियर ऑप्शन है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग 10th क्लास पास करते हैं तो 11th में हम लोग को स्ट्रीम चुननी पड़ती है। कोई स्टूडेंट आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई साइंस स्ट्रीम लेता है, लेकिन साइंस स्ट्रीम में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, तो आप मैथ्स ग्रुप में जाओ या फिर बायो ग्रुप में जाओ। तो बहुत सारे स्टूडेंट बायो ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करके एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका और किसी अदर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ वो बायो लेके आगे पढ़ाई करने की सोचते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लेके बायो लेते हैं और पढ़ाई करते हैं, लेकिन आगे जाके किसी भी रीजन से वो डॉक्टर नहीं बन पाते, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती जिससे वो डॉक्टर की पढ़ाई कर सके। हालांकि डॉक्टर की अगर आप पढ़ाई करते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपकी बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगती, लेकिन किसी भी रीजन से अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाते तो उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर अब वो क्या करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहते हैं कि भाई बायो ली है तो उससे तो डॉक्टर ही बना जा सकता है, उसके अलावा और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बायो स्टूडेंट सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं। आपको इसमें पूरी लिस्ट बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि आपको डॉक्टर के अलावा और क्या क्या ऑप्शन है जो कि आप अपने करियर में कर सकते हो। देखो दोस्तों, अगर आप उन स्टूडेंट में से हैं जिन्होंने बायोलॉजी लिया था ताकि वो आगे जाके पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनेंगे, MBBS की डिग्री हासिल करेंगे, BDS की डिग्री हासिल करेंगे, लेकिन किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ नीट में, तो आपको हार मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मौके हैं। आप अगर किसी एक फील्ड में पीछे रह जाते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप सारे फील्ड में पीछे रह जाओगे, इसीलिए आप हार आपको नहीं माननी चाहिए। तो देखो क्या आप कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप MBBS या फिर नीट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप नर्सिंग कर सकते हो 12th के बाद। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, आप 12th के बाद नर्सिंग कर सकते हो। आपको अगर आपको 12th के बाद नर्सिंग नहीं करना है तो आपको 12th के बाद सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी चाहिए। 3 साल का डिग्री कोर्स है, आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद समझो कि आपके पास करियर ऑप्शन की कमी नहीं रहेगी। देखो, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए, यानी कि PG कंप्लीट करनी चाहिए, 2 साल का होता है। उसके बाद देखो, अगर आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया ना, मान लो कि आपने PG कंप्लीट नहीं भी किया, सिर्फ आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है देखो मैं आपको बताता हूँ। आप चाहो तो बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या वो बायो से पढ़ाई करके बैंक में नौकरी कर सकते, तो हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। आप बैंक में PO बन सकते हो, आप क्लर्क बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो, मतलब सभी तरह के पोस्ट आप बैंक में कर सकते हो। उसके अलावा आप रेलवे में जा सकते हो, पुलिस में आप जा सकते हो, उसके साथ साथ आप IAS IPS बन सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो आगे आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो, मेडिकल लाइन में रिसर्च में आप जा सकते हो, उसमें भी आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। आप चाहो तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो। दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है, टीचिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके वो वीडियो देख के समझ सकते हो कि आपको ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या करना होगा, सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल डिटेल में बताई है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपका सिलेक्शन मेडिकल में नहीं हुआ, यानी कि नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आपको डॉक्टर नहीं भी बनना है, जरूर नहीं कि जो लोग बायो से पढ़ाई करो डॉक्टर ही बने, ऐसा तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन आप डॉक्टर के लिए बहुत कुछ बन सकते हो। आप सारी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, लगभग सारी गवर्नमेंट आप जॉब कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो बस आपके पास मौके की कमी नहीं है, बस कमी है तो आपको
एक इच्छा जताने की, आपको डिसाइड करने की कि हाँ आप क्या करने वाले, और उसके पीछे मेहनत करने की। जितनी भी वैकेंसी आती है आप सब में अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ एक आध दो वैकेंसी को छोड़ दे, जैसे कि उसमें मैथ्स की जरूरत होती है तो आपका तो बायो है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ऐसी वैकेंसी बस गिन चुन के 100 वैकेंसी अगर निकलेगी तो उसमें मतलब कि 2 ही 4 वैकेंसी होगी जिसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने बताया, बैंकिंग में, रेलवे में, पुलिस में, आईएएस, आईपीएस, रिसर्च के फील्ड में, टीचिंग लाइन में, मतलब सारे फील्ड में आप जा सकते हो। तो मेरे दोस्तों, आप बस डिसाइड करो कि आपको किस फील्ड में जाना है। उसके ऊपर मैंने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, और नहीं बनी है तो कमेंट करके बताओ कि किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और आप अच्छी तरीके से मेहनत करो, और जो भी आप लाइफ में चाहते हो वो जरूर हासिल करोगे। अब बस आप मेहनत करो, कभी भी डीमोटिवेट ना होना या फिर कभी भी हार नहीं मानना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। बस आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कमेंट में करके बताओ कि आप क्या फ्यूचर में करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो आप वो चीज़ कमेंट में करके बताओ। और हो सकता है कि कुछ ऐसे जो करियर ऑप्शन है जो कि मैं इस वीडियो में बताना भूल गया, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वो होगा तो मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई दे दूंगा कि हाँ आप वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे बहुत सारी वीडियोज है जो कि आप देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, तो वो सारी वीडियोज आप देखिए, आपको उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। और मेरे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।